1, 2, 3, and action. So hi guys, welcome back to the new episode. So आज का मेरा ब्लॉग जो है घर से शुरुआत हो रहा है और अभी जो है 11 बज चुका है. मैं सुबह का खाना खाया नहीं अभी तक क्योंकि कुछ काम से गया था मैं मार्केट में और जैसे अभी घर पे आया हूँ तो अभी मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर थोड़ा काम है उसके बाद निकलूंगा क्योंकि हम लोग का अभी नया एल्बम का तैयारी चल रहा है तो उसी पे जाना है. कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया था लेकिन अभी रिहर्सल के लिए बाकी है. सो वहाँ पे भी जाना है. सो हर तरफ टाइम मैनेज करना पड़ता है बॉस. सो पहले मैं भी खाना खा लेता हूँ और फिर मेरा बाइक को जो है उसको भी थोड़ा सा क्लीन करना है और फिर मैं जाऊँगा सीधा. इतने धूप में बाहर निकलना इतना आसान भी नहीं है, फिर भी सम हाउ आई एम मैनेजिंग इट. सो पहले खाना खा लेता हूँ. सो आज का मेरा खाना में है दाल चावल और पीस का चटनी थोड़ा सा है और यहाँ पे है वाटर बॉटल. सो मैं खा लेता हूँ अभी. सो मेरा बाइक जो है क्लीन हो चुका है, ये क्लीन कर दिया मैंने और ल्यूब भी लगा लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल सकता है. ब्रेक भी ओके चेक कर लिया. सोच रहा हूँ अभी निकलेगा पर इतना गर्मी दे रखा है तो इसके लिए भी थोड़ा परेशान हो रहा हूँ और ऊपर से मैंने कैप लगा लिया क्योंकि ऊपर से जो सनलाइट डायरेक्टली आएगा उससे तो थोड़ा बच सके. और साथ ही साथ मेरे पास सनग्लास भी है तो ये UV4 प्रोटेक्शन तक कर लेता है तो आग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला और ऊपर से जो भी हीरा आएगा वो थोड़ा बहुत ये मेरा है जो है वो बचा लेंगे. सो निकल जाते हैं यहाँ से और दोस्त लोग मेरा वेट कर रहे वहाँ पे. सबसे ज़्यादा आलसी में हूँ तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया. लेट इसलिए हुआ हूँ क्योंकि सुबह सुबह दूसरा काम पर भी गया था इसीलिए. तो अभी घर पे आके खाना खा लिया, फिर मेरा बाइक को भी क्लीन कर लिया तो मस्त अभी चलते हैं फिर वो दिखाते हैं वहाँ पे भी कौन कौन है. A few moments late. So, मार्केट तो पहुँच गया था पर इतना गर्मी में साइकिल लेके जाना पॉसिबल नहीं है तो हम लोग ने गाड़ी बुला लिया था और अभी हम लोग रेल लाइन क्रॉस कर रहा था. देखो फूड ऊबर तो है नहीं, ऊपर से हम लोग इतना गर्मी में भी ट्रेन का नीचे से इस तरह जाना पड़ता है. या इसको एक अगर ज्वाइंट खुल के भी रख देते ना तो आसान हो जाता था, इतना तकलीफ करना पड़ता है यार. कोई तो उपाय निकलना पड़ेगा इसका. ये देखो रेलवे ट्रैक में ऐसा ट्रेन रख देता है, 10-15 दिन तक ऐसे रहता है, एक निकल जाता है फिर दूसरा लेके आ जाता है और नहीं फूड उबा रहे नहीं कुछ है इसमें. बहुत गर्मी है यार, जल रहा है. तो एक दोस्त आ गया बोल रहा था ऑलरेडी सुमो लेके तो ऊपर है बोल रहा था तो देखते. ऑलरेडी हम लोग लेट हो गया. गर्मी ओ ये रहा गाड़ी, कब से हम लोग के लिए वेट कर रहा था. अरे लॉक करो सर, लॉक करके रखते हैं. खोल गया चलो. इतना गर्मी में आके पहुंच गया हूँ. यहाँ पे पहुँच के अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा लग रहा है. सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. जो मेरा लास्ट ब्लॉग था वही से मैं ये वाला कंटिन्यूशन कर रहा हूँ क्योंकि उस दिन जो रिहर्सल हो रहा था वो दिखा नहीं सकता आप लोग को क्योंकि अभी तक हम लोग ने एल्बम शूटिंग चालू किया नहीं, बट आज चालू कर रहा हूँ. तो हीरोइन जो भी है और हीरो जो भी है इसमें रिवील मैं करूँगा नहीं क्योंकि सस्पेंस में रखूँगा और नेक्स्ट वाला जो BTS आएगा उसमें दिखाएगा आप लोग को कि जो हीरो है और जो हीरोइन है किस तरह से उन लोग काम कर रहे हैं अपने काम को लेकर. तो सो ऑल आर रेडी हियर, वीडियोग्राफर ऑल द बेस्ट एंड इस तरह भी सिंगर हाय. और बाकी जो है इस तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और हम लोग को कंसेप्ट में यही चाहिए था कंस्ट्रक्शन वाला. तो ये एग्जैक्ट लोकेशन ये कहाँ ये भी नहीं बताऊँगा, आप लोग गेस कर सकते हो ये कहाँ पे हो सकता है. इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन आसपास में कहीं भी होता है तो हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है उसी के साथ बुरा अच्छे से मैच हो रहा है ये वाला लोकेशन. तो चलिए यहाँ का शूटिंग जो है वो शुरू कर लेते हैं. पहला कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे शूट करेंगे, बैकग्राउंड पे कुछ लोग रहेगा और हीरो जो है यहाँ पे रोल करेंगे. मुझ नहीं पूरा फिट पार्ट से पूरा हीरो से फिट पार्ट थोड़ा सा बल्ले का बखा बोन भाई चिंकु माई फिर कल ही आओगे बाबू. म्यूजिक 1, 2, 3 and action. सो आज का हम लोग का जो लोकेशन पे शूटिंग था वो वाला खत्म और बहुत अच्छा अच्छा जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा फुटेज मिला है हम लोग को. रिवील शॉट अच्छा हुआ है, अभी एडिटिंग का वर्ड और भी मस्त आएंगे.
आप लोग मेरे पीछे बैकग्राउंड सीनरी देख सकते हैं, कितना बड़ा बिल्डिंग है। हम लोग का कॉन्सेप्ट का सर 100% मैच हुआ है। हम लोग को इसी तरह ही फुटेज वाला चाहिए, इसी तरह मतलब जो ये होगा लोकेशन वही चाहिए था, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है उससे अच्छा मिला है। जेसीबी भी है इस तरफ, तो हम लोग का 100% हो गया। और हीरो और हीरोइन जो है उसका मैं रिवील नहीं करूँगा, ये वाला पार्ट वन होगा BTS का। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग को टोटली जो भी BTS है देखने को मिलेगा। सो यार वी हैव कम्प्लीटेड डेज वन शूटिंग, सो थोड़ा सा बाकी है, ये जाते जाते हम लोग रास्ता पे शूट करेंगे। यहाँ पे है हम लोग का गाड़ी। ये ड्राइवर बाबू, तू ड्राइवर है ना, कोरियोग्राफर है ना, क्या है? देखो ये ड्राइवर बन गया मैं। कोरियोग्राफर से डायरेक्ट ड्राइवर प्रोमोशन। ये कौन है? सिंगर। अच्छा लुक्स, अच्छा फोटो सेशन। मैं ये वाला को ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि यही है हीरो, और ये है वीडियोग्राफर। फॉर द फर्स्ट टाइम एल्बम शूट कर रही है, तो लेट्स सी इसका आउटपुट कैसा आता है। रोलिंग एंड एक्शन।